नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी या मौर्याई छठ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत अश्वमेघ यज्ञ जितना फल देता है। भगवान सूर्य को समर्पित यह दिन सूर्य उपासना एवं व्रत रखने के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत में रविवार का योग भी मिल जाए तो अति उत्तम होता है। पूजा विधि, छठ की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करें या गंगा स्नान करें। यह संभव नहीं हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे में जल भरकर चावल पुष्प ली डालकर सूर्य को अर्घ दें। जल चढ़ाते समय सूर्य के वरुण रूप को प्रणाम करते हुए ओम रविये नमः मंत्र का जाप करें। इस जाप के साथ शक्ति बुद्धि स्वास्थ्य और सम्मान की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार जल चढ़ाने के बाद धूप दीप से सूर्य देव का पूजन करें। सूर्य से संबंधित चीज़ें जैसे कि तांबे का बर्तन, पीले या लाल कपड़े, गेहूँ, गुड़, लाल चंदन, इनका दान करें। श्रद्धा अनुसार इनमें से किसी भी चीज़ का दान किया जा सकता है। दिन सूर्यदेव की पूजा के बाद एक समय फलाहार करें। जिन लोगों के कुंडली में सूर्य अशुभ फल दे रहा हो तो उन्हें ये उपाय करने चाहिए। सूर्योदय के समय लाल फूल, कुमकुम आदि से सूर्यदेव की पूजा करें। लाल वस्त्र भी अर्पण करें। किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर माणिक रत्न तांबे की अंगूठी में अपनी अनामिका उंगली में धारण करें। जरूरतमंदों को अपनी इच्छा से गेहूं का दान करें। इससे भी सूर्य का दोष कम होता है। लाल चंदन की माला से ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 5 माला का जाप करें। इस दिन सूर्यदेव के विभिन्न नाम तथा सूर्य मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इस दिन पंचगव्य का सेवन अवश्य करना चाहिए। अगर हो सके तो दिन भर में एक बार नमक रहित भोजन करना चाहिए। यह व्रत करने वालों पर सूर्यदेव प्रसन्न होकर उन्हें सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य और अश्वमेघ यज्ञ का फल देते हैं। विकर्तन, विश्वस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोकचक्षु, ग्रहेश्वर, लोकसाक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, सूची, सप्तस्वाहन, गवस्तिहस्त, ब्रह्मा, सर्वदेव नमस्कृतम। इस दिन पंचगव्य का सेवन अवश्य करना चाहिए। पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का मिश्रण। आप सरलता के लिए पंचगव्य घी का प्रयोग कर सकते हैं। पंचगव्य घी में ये पांचों चीज़ें होती है। भविष्य पुराण में वर्णित है कि इस दिन जो कार्तिकेय जी का दर्शन करता है वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। रविवार षष्ठी महान पुण्यदायी होती है। जरूरतमंदों को अथवा गौशाला में आज के दिन अवश्य कुछ न कुछ दान करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।